इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है और अब खबरों को देते हैं विस्तार। कांग्रेस उम्मीदवार अशोक सिंह ने भगवान अखिलेश्वर के दरबार में पूजा अर्चना कर अपने प्रचार अभियान का औपचारिक रूप से शुभारंभ कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह ने, हालांकि कांग्रेस सर्वधर्म सद्भाव के साथ पूरे समाज के विकास के लिए काम करती है और यही बात भारत की आत्मा है। चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए अशोक सिंह ने सुबह सुबह भगवान अचलनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और पूजा कर आशीर्वाद मांगा। इसके बाद वे जैन मंदिर पहुंचे और वहां मौजूद जैन संत का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहां मौजूद लोगों ने अशोक सिंह की सादगी और सहजता की प्रशंसा की। श्री सिंह ने इसके बाद महाराज बाड़ा स्थित दरगाह पर इबादत की और फिर फालका बाजार स्थित प्राचीन चर्च में पहुंचकर प्रार्थना की। श्री सिंह इसके बाद फूलबाग स्थित गुरुद्वारा पहुंचे और वहां मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता गण भी उनके साथ मौजूद रहे। ग्वालियर लोकसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी ने विवेक सेजवलकर ने भरोसा जताकर उन्हें ग्वालियर से टिकट दिया है। ऐसे में कार्यकर्ता उनकी जीत के लिए जी तोड़ मेहनत से जुट जाए। ये बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सांसद एवं प्रदेश गठबंधन प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे ने मोदी हाउस में ग्वालियर लोकसभा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, भाजपा प्रत्याशी विवेक सेजवलकर सहित तमाम पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। तीर्थकर महावीर जयंती महोत्सव समिति एवं दिगंबर जैन युवा मंच के तत्वाधान में मेडिटेशन गुरु बी हसंत सागर एवं मुनि विश्व सूर्य सागर महाराज के सानिध्य मंगलवार को कंपू स्थित महावीर भवन में प्रथम बार सरस्वती महाअर्चना का आयोजन किया गया। महाअर्चना का उद्देश्य बच्चों की बुद्धि का विकास और धर्म संस्कार उनके जीवन बनाए रखना है। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे एवं जैन समाज के गणमान्य लोग सरस्वती महाअर्चना में शामिल हुए। तीर्थंकर महावीर समिति की ओर से आज बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए मुनि श्री बिशन सागर जी महाराज के टाणी में ग्वालियर के प्रथम इतिहास में पहली बार माँ सरस्वती की पूजा अर्चना का आयोजन किया गया था, जिसमें परीक्षा में फेल हो जाते और बच्चे सह नहीं पाते और उल्टे चीजें काम कर लेते, सुसाइड वगैरह कर लेते। इनके मन बुद्धि के लिए आज महाराज जी के सानिध्य में सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया था। इनके बच्चों का भविष्य बने और धर्म संस्कृति में उनका मन हमेशा बढ़ते रहे, ऐसे कार्यों के लिए आज ये विधान मार्चना का आयोजन किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह बाबूजी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक मुन्ना लाल गोयल, कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह सहित बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर बाबूजी के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ गांधीवादी नेता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को गांधी रोड स्थित निवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में सभी नगरवासी, सामाजिक एवं राजनीतिक धार्मिक संगठनों आदि के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे और राजेंद्र सिंह को नमन करते हुए उनकी सेवाओं का पुण्य स्मरण किया। गत रोज दिन भर की तपिश के बाद शाम को अचानक मौसम में आए बदलाव और बूंदाबांदी के बाद शाम के समय 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धुंध भरी आंधी भी चली। इसमें मौसम में ठंडक आ गई, हालांकि तेज हवाओं और आंधी के चलते लोग परेशान भी रहे। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, इसके चलते दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर चक्रवात बना हुआ है। साथ ही स्थानीय प्रभाव के असर से बूंदाबांदी के साथ धूल भरी आंधी आई है। आंधी की रफ्तार करीब 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई।
आंधी आने से आधे से ज्यादा शहर की बिजली गुल हो गई। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिन के पारे की रफ्तार पर सोमवार को ब्रेक लग गया। अभी 3-4 दिन पहले इतनी विशेष गर्मी थी, बहुत पसीना निकल जाता लोगों को, चलने में भी महिलाओं को बड़ी तकलीफ हो रही थी, और आज तो निजात है, मौसम अच्छा है। हाँ, सुबह बूंदाबांदी हुई थी और रात में ही पानी पड़ा था। देखिए, अभी अधिकतम तापमान ग्वालियर में 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो चुका है 5 अप्रैल को। इसके बाद कल भी अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस था। राजस्थान में एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके कारण मौसम में तब्दीली आई है। और अभी जो आज तापमान जो है, अधिकतम तापमान लगभग 30 से भी कम डिग्री कम रिकॉर्ड होगा, 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम रिकॉर्ड होगा। अभी 11:30 बजे तापमान था 25.2 डिग्री था। तो अभी जब तक सिस्टम का प्रभाव है, अगले 24 घंटों तक सिस्टम का प्रभाव रहेगा, उसके बाद मौसम साफ होगा और उसके बाद फिर तापमान में वृद्धि होगी। देखिए, क्योंकि ये ग्वालियर और चंबल जो क्षेत्र है वो राजस्थान से लगा हुआ है, वहाँ से नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आती हैं, और उसके प्रभाव से ग्वालियर में चंबल में जो हर तीसरे चौथे दिन आंधी आती है। तो आंधी के साथ यदि नमी होती है तो हल्की फुल्की वर्षा होती है, उसके कारण तापमान में कमी आ जाती है, उसके बाद फिर तापमान में वृद्धि होती है, ये क्रम यहाँ चलता रहता है। हाँ, आगामी दिनों में तापमान में वृद्धि होगी, उसके बाद जैसे भी तापमान में वृद्धि होती है, उसके बाद लोकल डेवलपमेंट से क्लाउड डेवलपमेंट होता है और उसके बाद हल्की फुल्की वर्षा हो जाती है। फिर भी तापमान जो अधिकतम तापमान यहाँ मई के आखिरी में यहाँ रिकॉर्ड होते हैं, वो भी 46-47 तक यहाँ पर तापमान जाता है, पर फिर भी अप्रैल में तापमान अभी 43 तक पहुँच चुका है, और इसमें जो उतार चढ़ाव जो है उस हिसाब से सिस्टम के हिसाब से चलता रहेगा। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक शिक्षकों को मई जून माह में मिलने वाली छुट्टियों पर आचार संहिता के कारण गफलत है। इंदौर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक शिक्षकों को मई में छुट्टी देने से मना कर दिया गया है। मामले में जीआरएमसी के डीन डॉक्टर भरत जैन ने कलेक्टर से अभिमत मांगने की बात कही है। जीआरएमसी सहित प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों को 1 माह की छुट्टी मई और जून में दी जाती है। एक विभाग के 50% चिकित्सा शिक्षक मई और शेष जून में छुट्टी लेते हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव मई में होंगे। ऐसे में चिकित्सा शिक्षकों की छुट्टी को लेकर असमंजस है। दिक्कत यह भी है कि यदि मई में आचार संहिता के चलते छुट्टी नहीं दी गई तो जून में सभी चिकित्सा शिक्षकों को एक साथ छुट्टी कैसे मिलेगी? ऐसा करने पर अस्पताल की व्यवस्था बिगड़ सकती है। हालांकि डीन डॉक्टर भरत जैन का कहना है कि मई में चिकित्सा शिक्षकों को छुट्टी देने पर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी कलेक्टर को पत्र लिखकर इस मामले में अभिमत मांगा जाएगा। ग्वालियर आगरा और आगरा ग्वालियर पैसेंजर ट्रेन को बहाल करने के बजाय रेलवे ने इसे रद्द करने की तारीख बढ़ा दी है। 15 दिसंबर से रद्द चल रही इस ट्रेन को रेलवे ने पहले 15 अप्रैल तक के लिए रद्द किया गया था, लेकिन अब इसे 30 अप्रैल तक के लिए रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने मेंटेनेंस कार्य किए जाने का हवाला देकर ऐसा किया है। वहीं आगरा ग्वालियर पैसेंजर ट्रेन 1 मई तक रद्द रहेगी। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। ये ट्रेन 4.5 माह से रद्द चल रही है। स्कूल में प्रतिबंधित की गई स्कूल वैन को व्यावसायिक परमिट देने के संबंध में मंगलवार को ग्वालियर स्कूल वैन चालक संघ ग्वालियर द्वारा कलेक्टर पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। इनका कहना है कि शहर में करीबन 1000 मारुति वैन संचालित हैं, और अगर इन पर प्रतिबंध लगता है तो इनसे जुड़े करीबन 10,000 लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। कल ऐलान किया था 2 दिन की हड़ताल हमारी थी, मतलब 2 दिन का अनिश्चित कल थी, सोमवार और आज मंगल को भी हड़ताली थी। सुबह से हमने यहाँ सारी बैनर खड़ी कर दी और सारे लोग यहाँ एकत्र थे। अब चूँकि वहाँ नामांकन किए जा रहे थे, कलेक्ट्रेट में हम नहीं जा सके, तो यहाँ पे एडीएम साहब आए थे और तहसीलदार साहब भी आए थे। हमने मांग की थी कि हमें सिर्फ परमिट दिया जाए। जो मारुति वैन अभी तत्काल प्रभाव से जो स्कूल में लगी थी उनको बंद कर दिया गया है, उन सबको परमिट दिया जाए। तो परमिट के तहत RTO साहब ने बोल दिया है कि आप आवेदन कर दीजिए, हम सबको परमिट दे देंगे। और अभी एडीएम साहब भी वही कह गए हैं कि आप आज से आवेदन कर दो, कल से आवेदन कर दो, छुट्टी के दिन भी आवेदन कर सकते हैं हम, तो वो परमिट मिलेंगे। हमें आज बहुत बड़ी खुशी हुई है कि हमारी जितनी भी बहनें प्राइवेट थी अभी तक, उन सबको तत्काल प्रभाव से कमर्शियल करते हुए परमिट दिए जाएंगे, और परमिट देने के बाद हम उन गाड़ियों को संचालन करेंगे। हड़ताल आज हमारी समाप्त होती है और कल छुट्टी है, परसों से हमारे लोग है ना यथावत अपना जो व्यवसाय करते थे वो करेंगे।
इनके परमिट संबंधी है, वाटी को बता दिया, परीक्षण करेंगे, जो उचित होगा नियमानुसार उसमें करेंगे कार्रवाई। लेकिन जिस तरीके से बच्चों का नुकसान हो रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो अपनी लगातार हड़ताल को जारी किए हुए, वो बात हो चुकी है अभी इनसे, उसी का परीक्षण करवाएंगे। कांग्रेस लीगल सेल के पदाधिकारियों ने मंगलवार को होटल सेंटर पार्क में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कांग्रेस पार्टी से जुड़े अधिवक्ताओं की ओर से कहा कि देश भर में अधिवक्ताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य किया जा रहा है और ग्वालियर में लीगल सेल्स पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीन स्तर पर कार्य करेगी। लीगल सेल का वकील के पास क्लाइंटेज बहुत रहता है, हमारे पास एक एक वकील के पास हजार हजार केस, दो दो हजार केसेस रहते हैं, और हजार हजार दो हजार केस का मतलब होता है कि उस घर परिवार के चार चार छः छः सदस्य हमारे साथ जुड़ते हैं। यदि हमारे लीगल सेल के प्रत्येक सदस्य मेहनत से काम करें तो हम कम से कम लाख और डेढ़ लाख वोटों का चेंजेस लाने की सक्षमता रखते हैं। और अब की बार हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि लीगल सेल के हमारे विनोद भारद्वाज जी, संतोष जी, राकेश जी, राजमणि जी और हमारी पूरी टीम इतनी सक्षमता से और इतनी मेहनत से और इतनी ईमानदारी से काम करेगी कि जिस तरीके से हमने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, अब की बार हम भाजा के वजह के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस को विजय बनाएंगे। और अशोक भाई साहब को 2 लाख से अधिक वोटों से विजय बनाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। और अब हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।